हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बच्चों बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अभी तक काफी शानदार चल रही होगी। जिन बच्चों ने शुरुआत नहीं करी वे फटाफट शुरुआत कर दीजिए और जुड़ जाइए फास्ट ट्रैक सीरीज के साथ। ठीक है, फास्ट ट्रैक सीरीज स्पेशली डिजाइन फॉर नीट 2024, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको करा दी जाएंगे मार्च एंड तक। एंड फिर हम अप्रैल में काफी सारे प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, तो फटाफट इस सीरीज से जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को भी जोड़ो। ठीक है, धीरे धीरे अब आपके लिए हम लोग प्रैक्टिस सीरीज भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। कल से क्लास आपको मिल जाएगी भाई एग्जैक्ट 8 बजे पर। ठीक है, 8 बजे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको 8 बजे रात को क्लास यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो सारे लर्नर्स एक साथ जुड़ जाए करना। ठीक है, क्योंकि जब क्लास आपकी यहाँ पर हुआ करेगी 8 बजे, तो सारे लर्नर्स एक साथ जुड़िए और आपसे में इंटरेक्शन भी करिए। ठीक है, और क्लास को इंजॉय भी करिए। तो देखिए, कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, सेल दी ऑफ लाइफ का। तो इसमें काफी सारे कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, है ना। काफी सारे कंसेप्ट आप लोग लेक्चर 1 और 2 में भी सीख चुके हैं। सो अगेन, मैं हर बार हर लेक्चर में बोलता हूँ कि भाई, जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्यों फिर वहां से तुम नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे नोटिफिकेशन अपडेट वहीं दिए जाएंगे। तुम्हारा लर्निंग एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बच्चों, बूस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि फटाफट डाउनलोड कर लो। सो ये सारी बातें आप लोग कर चुके हो, सेल को देख चुके हो, सेल थ्योरी देख चुके हो, इसके अलावा ओवरव्यू ऑफ द सेल भी देखा। मैंने बताया था कि भाई, ये तो इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको भूलना नहीं है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग भी भूले नहीं हो गए हैं ना। और कोई भूल भी गया है तो भाई, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ओवरव्यू ऑफ द सेल में जो डाटा इंपॉर्टेंट मार्कर है देख लेना, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल एक डायग्राम में सारे कंसेप्ट दे दिए थे। ठीक है, अब ये मत कहना ये सारी इतनी सारी थ्योरी है प्रोकैरियोट में, एक डायग्राम में सारे कंसेप्ट दिए। चलिए, फिर यूकैरियोट को पढ़ना था आपको। ठीक है, फिर यूकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हो, इसके अलावा तुम सेल वॉल भी पढ़ चुके हो, आपने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लिया, और एंडो मेम्ब्रेन और जो आपकी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है भाई, इसमें चार ऑर्गेनली आती हैं। कौन कौन सी आती है कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो और यहाँ पे रिप्लाई भी कर रहे हो। चलिए, फिर उसके बाद है बच्चों आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी काफी सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली थी। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, आज हम लोग इस वाली ऑर्गेनली को पढ़ने वाले हैं। क्या कहते हैं इस ऑर्गेनली को? तो चलिए, इस ऑर्गेनली को भी देखते हैं, लेकिन पहले देखते हैं एनसीईआरटी आपका क्या कहती है। ओके, सो अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर किसकी, सो आपकी प्यारी सी एनसीईआरटी क्या कह रही है। सो यहाँ पर आपकी प्यारी जी प्यारी सी एनसीईआरटी क्या कहती है, प्यारी सी एनसीईआरटी आपकी कहती है बच्चों कि अब तुमको क्या पढ़ना है, तुमको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या पढ़ना है भाई आपको, आपको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, सो मेच्योरिटी ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन मीजोफिल सेल। ज्यादातर आपको जो क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे वे मिलेंगे किसमें, मीजोफिल सेल में। ठीक है, मीजोफिल सेल, लीफ सेल, है ना। ओके, लीव्स के सेल, मीजोफिल सेल ऑफ द लीव्स। ओके, अगर हम बात करते हैं इनकी किसकी, अगर हम बात करते हैं इसकी शेप की, ठीक है, तो इनकी शेप कैसी हो सकती है, तो इनकी शेप वेरी करती है। ये लेंस शेप भी हो सकते हैं, ये ओवल भी हो सकते हैं, स्पेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्कोइड डिस्क शेप भी हो सकते हैं, और ये रिबन लाइक शेप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो शेप इनकी वेरी करती रहती है। लेंथ की बात करें तो लेंथ इनकी 5 से 10 माइक्रोमीटर हो सकती है। लेंथ यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन करा है। साथ साथ अगर इनकी हम लोग चौड़ाई की बात करते हैं तो 2 से 4 माइक्रोमीटर की हो सकती है। और जो इनका नंबर होता है ना बच्चों, जो क्लोरोप्लास्ट नंबर होता है वो बैरी करता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में आपका 1 पर, ठीक है, 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। ग्रीन एल्गी की बात करेंगे तो 20 से 40 पर सेल इन द ओके ग्रीन एल्गी में। ठीक है, तो इस तरीके से इनका नंबर बैरी करता है। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तो और किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। सो माइटोकॉन्ड्रिया में आपने क्या देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी। ठीक वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, आपकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, हो सकता है तुमको अगले आने वाले साल में भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। ओके, देखिए, एक मैं आपसे एक डायग्राम के थ्रू बात करूँ ना, तो चीजें समझनी थोड़ी ज्यादा आसान हो जाती हैं। तो सुनो, मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, है ना, स्लाइड लेता हूँ आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर स्लाइड का ऑप्शन होगा। ओके, व्हाइट बोर्ड, प्लीज ओपन द व्हाइट बोर्ड। ओके जी, खुल गया। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट बना लेंगे। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट बना लेंगे। सो अभी हमने क्या पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या है बच्चों, ये आपकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया आपका, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अलावा तुम लोग क्या देखोगे, तुम लोग देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तुमको और भी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे, है ना, इसके अंदर ऐसे। सो ऐसा इमेजिनेशन करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे सिक्के हैं ना, तुम्हारे पास बहुत सारे सिक्के हैं, तो ये तुम्हारे बहुत सारे सिक्के हैं,
ठीक है। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, ये है ग्रहण, ये ग्रहणम। अगर ये सिंगल है, ठीक है, अगर सिंगल है तब हम इसको क्या कहेंगे, थाइलाकोइड कहेंगे। वहीं अगर ये ग्रुप में है, ठीक है, या फिर एक के ऊपर एक है काफी सारे, तब हम क्या टर्म यूज करेंगे, ग्रहणम टर्म यूज करेंगे। और अगर हम थाइलाकोइड कह रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या कहा बच्चों, ये क्या है आपकी थाइलाकोइड। अब थोड़ा सा हम लोग थाइलाकोइड को भी देखते हैं जूम करके, है ना। तो हम देखते हैं कि थाइलाकोइड जो है, जो थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर है वो देखने में कुछ इस तरह का है। मतलब थाइलाकोइड में क्या है बच्चों, थाइलाकोइड में क्या है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। और ये बीच में क्या है आपकी एम्प्टी स्पेस है, जिसको आप लोग क्या कह रहे हो, जिसको आप लोग कह रहे हो ल्यूमन कह रहे हो। और ये जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं प्रेजेंट, यहाँ पर फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं इसके मेम्ब्रेन में, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम। और ये फोटो सिस्टम क्या करेंगे, ये आपकी लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। और ये स्ट्रक्चर पे जो कनेक्ट कर रही है बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो कनेक्ट कर रही है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है, क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली हम लोग इसको बोलते हैं, जो ये इसे क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सारे स्पेस में, इस सारे स्पेस में आपको मिलेंगे यहाँ पर स्ट्रोमा। क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपको स्ट्रोमा मिलेगा, ठीक है, स्ट्रोमा मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना, देखो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है, आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, सारे रिएक्शन पढ़ानी है। तो ये जो डार्क रिएक्शन वाला प्रोसेस होता है, ये कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। और वहीं लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस होगा वो कहाँ पर होगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका थाइलाकोइड में, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन वाला प्रोसेस प्लांट में यहाँ पर होगा आपका थाइलाकोइड में, वहीं डार्क रिएक्शन वाला जो डायरेक्ट रिएक्शन वाली जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। पहला पॉइंट का ध्यान रखना है, देखो डबल मेम्ब्रेन है। दूसरा पॉइंट का ध्यान रखोगे, सिंगल है तो थाइलाकोइड है, ग्रुप में है तो ग्रेनम है। थाइलाकोइड का स्ट्रक्चर देखिए, और इन दो ग्रेनम को जो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं उसको स्ट्रोमा लैमेली कह रहे हो। और बाहर और इसके चारों तरफ क्या है आपका, स्ट्रोमा फिल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए फिर आते हैं अपनी स्लाइड पर वापस। ओके, आई होप कि स्लाइड पर है हम, चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है, स्लाइड पर ही है। सो मैं यहाँ पर लाइंस का यूज करूंगा ना कि पेंसिल का, क्योंकि पेंसिल से जब मार लाइनिंग करते हैं तो काफी गंदा सा हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना पेंसिल का यूज करेंगे, कलर ले लेते हैं थोड़ा सा डार्क। ओके, सो देखिए, यहाँ पर कि ये कैसे थे बच्चों, ये थे आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपकी दो मेम्ब्रेन होंगी, ठीक है, टू मेम्ब्रेन होती हैं। और ध्यान रखेंगे इसमें जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है ना क्लोरोप्लास्ट में, ये क्या होती है, लेस परमिएबल होती है, ठीक है, क्या होती है आपकी, लेस परमिएबल होती है। इसका मतलब मोर परमिएबल कौन होगी, आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर ये लेस परमिएबल है तो, ठीक है। इसके अलावा ओके, क्या लिखा है अगली लाइन, फिर इसके बाद एनसीईआरटी आपकी कहती है, द स्पेस लिमिटिंग द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। यहाँ और वहां पे जो भी स्पेस है, ठीक है, वहां पर आपको क्या मिलेगा, स्ट्रोमा मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, स्ट्रोमा मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको डायग्राम में बता चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, थाइलाकोइड के बारे में बता दिया है। तो ये जो थाइलाकोइड है ये आपके अरेंज हो जाते हैं स्टॉक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइंस कॉल्ड ग्रेना, ठीक है। कई सारे हैं तो मैं क्या कहूंगा, क्या हुआ ग्रेना, ठीक है, सिंगुलर में मैं ग्रेनम कह रहा हूँ, लेकिन जब काफी सारे हैं तो मैं ग्रेनम कह सकता हूँ, ठीक है। और ग्रहणा के लिए एक दूसरा टर्म और होता है, तो ध्यान रख लेना, इंटी, ओके, इसके लिए एक दूसरा टर्म होता है, वो होता है आपका आपका इंटर ग्रेनल थाइलाकोइड, भी टर्म का यूज कर सकता है, ठीक है। वैसे ये टर्म तो रेयरली यूज करेगा, लेकिन 1% मान लो यूज कर लेता है, तो आपके लिए आप ये बैकअप में ये टर्म भी ध्यान रखना। ओके, इन एडिशन द थाइलाकोइड, ओके, इन एडिशन द फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब यूज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। स्ट्रोमा लैमेली क्या थे, जो भाई आपके दो ग्रेनम को कनेक्ट कर रहे थे वो क्या थे, स्ट्रोमा लैमेली। भाई ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी। चलिए इसके अलावा द मेम्ब्रेन ऑफ अ थाइलाकोइड एनक्लोज, ओके, एनक्लोज आ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन, ठीक है। तुमने थाइलाकोइड को जूम करके देखा, तुमने देखा भाई एक मेम्ब्रेन थी और क्या था, ल्यूमन था। इसके अलावा द स्ट्रोमा ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट कंटेंट, ओके, अब देखो जो स्ट्रोमा वाला रीजन है इसमें क्या क्या मिलेगा। ये जो आपका स्ट्रोमा था ना, पढ़ा था हमने भी थाइलाकोइड में जो स्पेस था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट का, ये क्या कंटेन करता है, एंजाइम कंटेन करता है। और ये एंजाइम किस लिए रिक्वायर होता है बच्चों, ये रिक्वायर होता है फॉर द फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फंक्शन भी पता चल गया, फंक्शन आ गया स्ट्रोमा का आप लोगों के सामने। स्ट्रोमा तो पता था क्या है, स्ट्रोमा का फंक्शन क्या हो गया कि भाई सिंथेसाइज कर रहा है। अब क्या सिंथेसाइज कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर रहा है या फिर आपका प्रोटीन की सिंथेसाइज कर रहा है। इसके अलावा बच्चों देखो ये क्या करता है, बच्चों ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है आपका स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाएगा, और साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, राइबोसोम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, राइबोसोम। लेकिन फैक्ट क्या याद रखना है आपको, ठीक है, फैक्चुअल बात करते हैं। तो फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है
कि जो आपका मैंने पहले ही बताया है माइटोकॉन्ड्रिया और जो आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम मिलता है वो क्या कैसा होता है, 70S होता है, और वहीं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, सेल के यूकेरियोट में सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम मिलता है वो क्या होता है आपका, 80S होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। सो ये बात यहाँ पे ही बता रखी है। देखिए, ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट हो गया थाइलाकोइड, हाँ, तो ओके, ये भी बता रखा है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वे कहाँ प्रेजेंट है, थाइलाकोइड में, और थाइलाकोइड में भी कहाँ पर है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में है। अगर हम बात करते हैं राइबोसोम की, तो राइबोसोम कैसा होगा भाई, क्लोरोप्लास्ट में भी आप पढ़कर आ रहे हैं 70S होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म में क्या होगा, यहाँ पर सेल के साइटोप्लाज्म में 80S होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है बड़ी छोटी सी बात, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या है, काफी ज्यादा सही है ना, कंफ्यूजन करने के लिए। अगर मैं भी एग्जामिनर आपका पेपर बनाऊंगा तो मैं भी डेफिनेटली ये तो क्वेश्चन डालते ही डालता, ठीक है, मेरे को औरों का नहीं पता, पर मैंने तो ये क्वेश्चन डालना था। सो हो सकता है कि हमारे एग्जामिनर साहब भी जो नीट 2024 के पेपर्स वगैरह को डिजाइन करते हैं, उनके दिमाग में भी आ जाए कि चलो ये डाल देते हैं बच्चों को परेशान करने के लिए। सो ऐसी छोटी छोटी बात तो ही आपका क्या, और एग्जाम टाइम में प्रेशर भी होता है यार आप लोगों पर, है ना, आप लोगों के दिमाग में प्रेशर रहेगा तो उसका फायदा एग्जामिनर तो उठा सकता है। चलिए अब राइबोसोम की बात करेंगे। तो ये जो राइबोसोम है, ओके, तो राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके। और सब देखो, सबसे पहले जो है ना राइबोसोम की खोज किसने करी, तो ये खोज करी थी आपका जॉर्ज पेलेट ने। कब करी थी, 1953। ईयर भी याद रखना है, नाम भी याद रखना है, ओके। अगर आप देखोगे तो राइबोसोम, और तो राइबोसोम क्या कंपोज करता है बच्चों, सो राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम क्या कंपोज कर रहा है, आरएनए को और प्रोटीन को, तो क्या कर रहा है, कंपोस्ट कर रहा है। और जो राइबोसोम होता है इसके सराउंड में आपको कोई मेम्ब्रेन नहीं देखने के लिए मिलती, मतलब क्या हो गया, ये आपका एक तरह का नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हो गया, है ना। सो नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, मतलब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अगर पूछा जा रहा है सीधा सीधा, आपको चार ऑप्शन दे दिए और आप उसमें एक ऑप्शन राइबोसोम भी है, तो आइडेंटिफाई कर लेना भाई ये क्या है आपका, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बाउंड ऑर्गेनेल। और आप लोग अपने फीडबैक बच्चों यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हम लोग कुछ आप लोगों के लिए कर सकते हैं, कोई सीरीज बनानी चाहिए एमसीक्यू के ऊपर, या फिर आपके लिए एक सीरीज बनानी चाहिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर, या पीवाईक्यू सीरीज बनानी चाहिए, तो वो सीरीज वगैरह के बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। डाउट वगैरह है तो एक डाउट ग्रुप आपके लिए आज के आज ही तैयार कर देंगे, कल को आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो टेलीग्राम पर भी डाउट ग्रुप कर देते हैं ना, ताकि आप लोग आपसे मैं कनेक्ट कर सकूँ और अपने डाउट्स को बाहर डाल सकूँ। चलिए फिर आगे देखते हैं, ओके। देखो, जो आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है 80S होता है ना, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, 70S होता है, ये बात तुमको पहले ही बताई गई थी। और जो राइबोसोम होता है ना बच्चों, इसमें आपको दो सब यूनिट देखने के लिए मिलती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक क्या होती है, एक होती है स्मॉलर सब यूनिट। सो ये देख सकते हो, ये होगी लार्ज सब यूनिट और ये क्या होगी भाई, स्मॉल सब यूनिट हो गई दस, ओके। और ये जो लार्ज सब यूनिट होगी इसको हम लोग क्या कह देंगे भाई, 80S राइबोसोम, है ना, 80S राइबोसोम है। और ध्यान रखेंगे 80, ओके, 80S राइबोसोम जो है आर 60S एंड 40S। अब इसे ऐड मत कर लेना मैथ की तरह, ठीक है, मैथ का कंसेप्ट अलग है और इसका अलग है, ठीक है। और जो स्मॉलर होगी उसके जो उसमें क्या दोगे वो कैसी हो जाएगी, वहां होगी 70S राइबोसोम, जो कि 50+30S को मिलाकर बनी है। अब ये जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई 80S राइबोसोम है, 70S राइबोसोम है, तो इसमें एस की चीज को इंडिकेट करता है। सो यहाँ पे एस इंडिकेट करता है आपका श्वेडबर्ग यूनिट को, किसको इंडिकेशन देता है, ये श्वेडबर्ग यूनिट को इंडिकेशन देता है, जो कि आप कह सकते हैं वो ये क्या मेजर करता है आपका, श्वेडबर्ग यूनिट आपका मेजर करता है आपका डेंसिटी को और साइज को, ठीक है। डेंसिटी और साइज को मेजर कौन करेगा, ठीक है, वैसे डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है ये आपका, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है इसकी साइज की और डेंसिटी के लिए। चलिए, बोथ 70 एंड 80S राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, ठीक है। तो चाहे आपका 70S हो या फिर आपका 80S हो, उसमें दो सब यूनिट मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर भाई मान लो, देखो सिंपल सी भाषा में बताता हूँ आपको, मान लो आपने क्या पढ़ते आ रहे हो कि भाई हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, तो उसमें क्या है, 70S प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा है ना, तो उसमें एक सब यूनिट जो होगी वो होगी 50S, जो कि लार्ज होगी, और जो स्मॉल सब यूनिट होगी वो 30S की हो जाएगी, ठीक है। मैथमेटिकली मैं नहीं देखना इस बात को, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हायर क्लास में जाकर पढ़ लोगे इसे डिटेल में। और जो 80S होगी वैसे यहाँ पे 60S क्या हो जाएगी, लार्ज यूनिट, और 40S क्या हो जाएगी आपकी, स्मॉलर यूनिट। तो इस तरीके से होता है।
और यही कंसेप्ट आपके चलते रहेंगे आगे को भी, है ना। हो सकता है आप में से फ्यूचर में कोई एडुकेटर बने तो वही सारी चीजें आप लोग भी पढ़ा रहे होंगे। चलिए फिर उसके बाद है साइटोस्केलेटन। एनसीईआरटी में बड़ा प्यारा दे रखा है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ी सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ साइटोस्केलेटन। देखो भाई तुमने क्या करा, तुमने एक सेल लिया है ना, तुमने क्या करा भाई, तुमने एक सेल लिया, ये सेल हो गया, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, और ये साइड और ये क्या हो गया, पूरा पूरा साइटोप्लाज्म हो गया। अब तुमने क्या करा, सेल को माइक्रोस्कोप में देखा। क्या देखा तुमने, सेल को माइक्रोस्कोप में देखा, और तुमने क्या देखा कि भाई इसके अंदर तो कुछ ही आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहे हैं। कैसे देखने के लिए मिले, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से मूव करते रहते हैं, ठीक है, मतलब इनमें मूवमेंट होती रहती है, ठीक है, मतलब मूवमेंट होती रहेगी, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट वगैरह होती रहेगी। सो आप क्या देख रहे हो बेटा, आप देख रहे हो कि सेल के अंदर आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर प्रोटीन्स के फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन के फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। इसको ही हम लोग क्या कह रहे हैं, साइटोस्केलेटन कह रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाता है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई इसका जो है ना फंक्शन क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं साइटोस्केलेटन के, तो एक ट्रिक याद रख लेना एनसीईआरटी के सारे फंक्शन के लिए, मोटी मेंटेन शेप फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। एक मोटी सी, देखो मैं किसी को मोटा पतला नहीं कह रहा, ठीक है, मेरी बात से किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैं खाली ट्रिक दे रहा हूँ आप लोगों को। कैसे ट्रिक याद रखनी है, मोटी मेंटेन शेप फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। पहला फंक्शन क्या हो गया, मोटी से क्या हो गया, मोटिलिटी, ठीक है, मोटी से क्या हो गया, मोटिलिटी, मेंटेन से मेंटेन हो जाएगा, और क्या मेंटेन करेगा भाई, शेप मेंटेन करेगा, है ना। तो दूसरा फंक्शन हो गया, पहला फंक्शन मोटिलिटी, दूसरा फंक्शन हो गया मेंटेन शेप, और तीसरा फंक्शन क्या हो गया, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और एनसीईआरटी ने देखो तीन ही फंक्शन आपको दे रखे हैं, मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें फंक्शन में। सो मोटी मेंटेन सपोर्ट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, है ना, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। इस तरीके से ट्रिक को याद करके आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन से डील कर पाएंगे, और यहाँ से डायरेक्टली एमसीक्यू बना भी, ऐसा नहीं एक नहीं बना, साइटोस्केलेटन से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बने हैं। और साइटोस्केलेटन क्या है भाई, प्रोटीन के कुछ फिलामेंट, जैसे प्रोटीन फिलामेंट्स के कुछ स्ट्रक्चर है जो कि आपको साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिलते हैं, और ये आपके जनरली मूवमेंट करते रहते हैं। सो ट्रिक यहाँ पर आपके काम आ जाएगी, सो ट्रिक को आपको भूलना नहीं है। चलिए ओके, फिर इसके बाद आते हैं सीलिया और फ्लैजिला में, है ना, सीलिया और फ्लैजिला में। सो देखो सीलिया जो होते हैं बच्चों, इनकी अगर बात करते हैं तो नंबर में क्या होंगे भैया, ज्यादा होंगे, और फ्लैजिला क्या है, नंबर में कम होंगे, 1 से 8 होते हैं। इसके अलावा जो सीलिया की जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, शॉर्टर लेंथ होती है, और फ्लैजिला की लेंथ कैसी होती है बच्चों, लॉन्गर होती है ना, लेंथ कैसी होती है इनकी, लेंथ की बात करेंगे तो ये लॉन्गर होंगे। इसके अलावा देखिए ओके, द बीटिंग पैटर्न ऑफ सीलिया इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनका बीटिंग पैटर्न देखा गया है। और वहीं जो फ्लैजिला होते हैं इनका जो है, आप क्या देखोगे, इनका जो आपका बीटिंग पैटर्न होता है, ठीक है, या फिर जो इनका पैटर्न होता है वो किस तरह का होता है, सर्कुलर होता है, वेव लाइक होता है, या फिर आपका प्रोपोपलर लाइक मोशन होता है। सीलिया आपको यूकैरियोट्स में देखने के लिए मिलेंगे हमेशा, तो ध्यान रखेंगे कि जो सीलिया हैं ये आपको प्रोकैरियोट में नहीं मिलते। इवन मैंने आपके सामने एक डायग्राम भी बनाया था, तो मैंने उसमें कहा था कि भाई इसमें आपको सीलिया नहीं मिलेंगे, और मैंने बनाया भी नहीं था डायग्राम में। और वही फ्लैजिला आपको प्रोकैरियोट में ही मिलते हैं, यूकैरियोट में ही मिलते हैं। सीलिया आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं नॉन मोटाइल सीलिया और एक होते हैं मोटाइल सीलिया। जो सीलिया आपकी मूवमेंट कराए उसे हम मोटाइल सीलिया कह देंगे, और जो नहीं कर पा रहे उनको हम नॉन मोटाइल सीलिया कह देंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर नॉन मोटाइल है तो वे और फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, सीलिया और भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, जैसे गैदरिंग ऑफ फूड में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, गैदरिंग ऑफ फूड में नॉन मोटाइल सीलिया फंक्शन करेंगे, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपको कई जगह दिखाया भी है, प्रोटोजोन्स में भी हमने डिस्कस करी थी चीज। ओके फ्लैजिला की अगर हम बात करते हैं, ओके, तो फ्लैजिला देखिए तीन टाइप के होते हैं, बैक्टीरियल फ्लैजिला, आर्किजियल फ्लैजिला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला। डिटेल्स में बात तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें अभी समय इतनी ज्यादा देता नहीं है, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक सीरीज है, अगर ये फास्ट ट्रैक सीरीज नहीं होती तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपसे, काफी ज्यादा चर्चा करता है इसी टॉपिक पर, और आधा घंटे का आपका सीलिया और फ्लैजिला का ही कंसेप्ट हम लोग वहां पर डिस्कस करते हैं। बट समय की अभी हमारे पास इजाजत नहीं है क्योंकि समय कम है, एग्जाम भी पास है, तो अभी तो हम इतने डिटेल में जाने वाले हैं नहीं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी ने क्या करा है, डिटेल डायग्राम डिस्कशन करिए, डायग्राम्स को आप लोग अच्छे से देख लेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है, मार्किंग करके देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे बनाकर, क्योंकि वहां से भी डायग्राम्स पे भी क्वेश्चंस बने हैं आपके, और मे भी इस साल भी बन जाए।
चलिएगा जी। फिर इसके बाद हम अगली ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं। अगली ऑर्गेनेल क्या है आपकी? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो देखो एक्चुअली में होता क्या है, देखो सेंट्रोसोम है ठीक है आपका, ये एक क्या है, सेंट्रोसोम है ये आपका सेंट्रोसोम। तो ये सेंट्रोसोम है और सेंट्रोसोम के अंदर ये आपको जो ऑर्गेनेल देखने के लिए मिल रही है ठीक है, ये वाली ऑर्गेनेल जो देखने के लिए मिल रही है ये क्या है आपकी? सेंट्रियोल है। क्या है आपकी? ये सेंट्रियोल है। ओके, इसके अलावा देखिए ये ध्यान रखेंगे कि इनकी जो पोजीशन होती है ना, किस तरीके से पोजीशन होती है, कुछ इस तरीके से इनकी पोजीशन होती है। तो अब आप मेरे को खुद बताएंगे कि एक सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल की अगर इस तरह की पोजीशन है तो ये कितने डिग्री की पोजीशन है ठीक है, डिग्री कितनी है? कमेंट सेक्शन में बताया ना, क्या ये 90 डिग्री है, क्या ये 180 डिग्री, या फिर आपकी 360 डिग्री है ठीक है। और ये इतना छोटा इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हूँ, तो हम लोग फिफ्थ सिक्स में पढ़ कर आए थे ठीक है। 90 कितना होता है, 360 कितना होता है, 180 कितना होता है? चलिए और देखते हैं। ओके, सो सेंट्रोसोम क्या है? ऑर्गेनली है जिनके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे, जिसको आप लोग क्या कहोगे, सेंट्रियोल। क्या कहोगे? दे आर सराउंडेड बाय द एमोरफस ओके पेरिसेंट्रियोलिक मटेरियल, बोथ सेंट्रियोल इन अ सेंट्रोमियर लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मतलब देख लीजिए भाई 90 डिग्री के उसमें हो गए ना, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ओके, दे आर मेड अप ऑफ, ओके देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना कि डायग्रामेटिक आपको डायग्राम्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा, फिर सारी बातें डायग्राम की चल रही है। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड ओके पेरीफेरल फिब्रिल ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन, ईच पेरीफेरल ट्यूबलिन प्रोटीन इज ट्रिपलेट ठीक है। यहाँ पे क्या देखोगे आप, आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर आपको पेरीफेरल फिब्रिल देखने के लिए मिलेगी, और ये जो पेरीफेरल फिब्रिल है ठीक है, ये कैसी है आपकी? ट्रिपलेट है। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि ये जो ट्रिपलेट्स हैं ठीक है, ये आपसी में क्या करेंगी? लिंक करेंगी ठीक है, क्या करेंगी आपसी में? लिंक करेंगी। ओके, यहाँ पे आप सेंट यहाँ पे जो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट है ठीक है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस एंड कोल्ड हब। यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट है उसको हब कहते हैं ओके, विच आर कनेक्टेड टू द ट्यूब्यूल ऑफ ओके पेरीफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं इसी डायग्राम को ही थोड़ा सा एक रफ वे में दिखाऊं आपको, तो चलिए देखते हैं यार, रफ वे में भी देख लेते हैं ना। सो ये क्या हो गया बच्चों आपके, ये हो गए देखो भाई इस तरीके से हो गए ठीक है, इस तरीके से हो गए। तो ये क्या हो गए आपके? ट्रिपलेट हो गए। क्या हो गए बच्चों? ये ट्रिपलेट हो गए। यहाँ पे ये जो सेंटर है ठीक है, ये सेंटर से में जो है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर हब। और ये हब और ये ट्रिपलेट किससे कनेक्टेड है भाई? ये कनेक्टेड है आपके किससे? रेडियल स्पोक से। द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ओके सीलिएंट ट्रेजर द स्पिंडल फाइबर गिव राइज टू द स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन इन एनिमल सेल ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आपकी स्पिंडल फाइबर है ठीक है ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर गिव राइज टू स्पिंडल अपार्टस ठीक है, स्पिंडल फाइबर से जो है गिव राइज करेंगी किसको? स्पिंडल अपार्टस को, सेल डिवीजन के दौरान इन एनिमल सेल। तो ये सारा डाटा आपको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है और आपको समझ लेना है। चलिए फिर इसके बाद हम आते हैं किस पर? इसके बाद हम आते हैं आपका न्यूक्लियस पर। सो न्यूक्लियस की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर भी है वैसे चैप्टर में, लेकिन मैं जब आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ूंगा तब मैं आप वहां पर बहुत सारी चीजों का डिस्कशन तब करूंगा। ओके, तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस में आप न्यूक्लियस क्या स्टोर करेगा बच्चों? तो न्यूक्लियस स्टोर करता है आपका जेनेटिक मटेरियल, है ना, आपने सुना होगा डीएनए वगैरह किसमें है भाई, सारे के सारे डीएनए हो गया ठीक है, किसमें आता है? न्यूक्लियस के अंदर आएगा ठीक है, आपका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आएगा। अच्छा एक बात बताओ, जो क्रोमोसोम होता है किससे बना होता है भाई? वो क्रोमोसोम किससे बना है? तो उसकी पूरी प्रोसेस भी हमें आगे पढ़नी है ठीक है। मैं बताऊंगा कि आपको डीएनए निगेटिव चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव पॉजिटिव मिला आपको ठीक है, तो वो क्या करेगा आपका क्या कर जाएंगे, आपसी में बाइंड कर जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बना लेंगे न्यूक्लियोसोम। तो वो सारी चीजें मुझे अभी आपको बाद में पढ़ानी है। ओके, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे ठीक है, तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होगा कि भाई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। फिर इसके बाद हम देखोगे क्या क्या है इसके स्ट्रक्चर में, तो आपको यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या देखने के लिए मिलेगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर आपको न्यूक्लियोप्लाज्म देखने के लिए मिलेगा, क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेंगे, और ये क्रोमोसोम कहीं ना कहीं किससे बने हैं आपके? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। और साथ साथ आपको क्या देखने के लिए मिलता है? न्यूक्लियोलस भी देखने के लिए मिलता है ठीक है। तो चार इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है आपकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोलस ठीक है, आर द पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। चलो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं।
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये जो होती है ना बच्चों, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है भैया? डबल मेम्ब्रेन होती है, तो इसलिए लिखा गया है कि ये कैसी है, टू लेयर मेम्ब्रेन है। ओके, इसके अलावा आप क्या देखोगे कि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किस जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होती है, आपकी बाहर वाली लेयर से अटैच होती है। अर्थात ये देखो, मैंने क्या बनाया, मैंने ये बनाया यहाँ पर भाई न्यूक्लियस। मैंने क्या बना दिया भाई, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन हो गई है, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, इससे ही क्या अटैच होगा आपका, इससे ही अटैच होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है, क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो न्यूक्लियर एनवोलप है, ये किससे बना होता है, ये जो आपका न्यूक्लियर एनवोलप है, ये बच्चों आपका फोस्फो लिपिड का बना है, ठीक है, फोस्फो लिपिड का बना है, ठीक है, जैसे आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो ही स्ट्रक्चर है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके, सो न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं, तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, सो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा, ये जेल लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, जेल लाइक मटेरियल है, जो कि आपका किसके अंदर मिलेगा भाई, जो कि आपका न्यूक्लियस के अंदर मिल जाएगा। इसके साथ साथ देखो, अगर क्या देखोगे कि जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, सो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये किसे सराउंड करेगा, सो न्यूक्लियोप्लाज्म सराउंड द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम को क्या करेगा, आप क्या देखोगे कि इसके जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, ये आपके सारे जेल लाइक सब्सटेंस हो गए न्यूक्लियस के अंदर, और यहीं पर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, न्यूक्लियोलस और आपको क्रोमोसोम भी देखने के लिए मिलेंगे। ओके, न्यूक्लियोलस की बात कर लेते हैं भाई, न्यूक्लियोलस क्या है भाई, ये ऑर्गेनली क्या है, सो न्यूक्लियोलस क्या है, आपकी डेंस मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, हाँ मिलते हैं भाई, न्यूक्लियस के आपका न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, और किसके बने होते हैं भाई, आरएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई, ये भी आरएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, तो क्या कोई ऐसी ऑर्गेनेल भी थी जिसके अंदर आपको आरएनए और प्रोटीन मिल रहा था, बताओ, क्या कोई ऐसी ऑर्गेनेल भी थी जिसके अंदर आपको आरएनए और प्रोटीन भी मिल रहा था, सोचिए। यस, इट्स राइबोसोम, है ना। सो वैसे यहाँ पर भी क्या है, जो आपका न्यूक्लियर प्लाज्म है, इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, दैट द इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। फिर इसके बाद ओके, यहाँ पर आप क्या देखोगे भाई, यहाँ पर आप देखोगे दैट अ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज, ओके, विच आर क्रोमोसोमल रीजन हैविंग अ जीन फॉर राइबोसोम सिंथेसाइज इन देम, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ देखो न्यूक्लियोलस जो है ना, ऐसा मानो कि भाई देखो इस तरीके से समझो, अगर सिंपल भाषा में समझना है, ठीक है, आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, आरएनए और प्रोटीन से क्या बनाया बच्चों, न्यूक्लियोलस बनाया, ठीक है, और ये न्यूक्लियोलस जो है, ठीक है, न्यूक्लियोलस आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है आपका, राइबोसोम की सिंथेसिस कर रहा है ना, राइबोसोम की सिंथेसिस कर रहा है, तो ये चीज आपको यहां बताना चाह रहा हूं। सो देखिए, क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं, तो क्रोमोसोम्स आर द ऑर्गेनली ओनली फाउंड इन द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेगी क्रोमोसोम। इसके अलावा जो डीएनए है, ठीक है, ये सारी कहानी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, डीएनए निगेटिव चार्ज है, हिस्टोन आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वे क्या करेंगे भाई, वे आपसी में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसमें आगे क्या होगा, और फर्दर चेंजेस होंगे, कंडेंसेशन होता जाएगा, और फाइनली आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका क्रोमोसोम, ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, फाइनली आपका क्रोमोसोम बन जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं, एक बार क्विकली आप लोग एनसीईआरटी पर नजर मार लीजिएगा, ठीक है, और एनसीईआरटी में आपको बता रखा है, और मैंने भी आपको बताया था कि भाई न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है, कौन से ईयर में करी है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले सेशन में डिस्कस करी थी, और एनसीईआरटी रीड करना आपका कर्तव्य भी है, ठीक है। तो एट लास्ट बच्चों, थैंक यू, काफी अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज इतने समय बाद इंटरेक्शन करके, अब रेगुलर ये इंटरेक्शन आपको और हमारा बना रहेगा सिर्फ और सिर्फ कमिटेड क्लास पर। एट लास्ट बच्चों, थैंक यू बेटा, एंड लास्ट अच्छे से पढ़ते रहिए, और अपना टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, डाउट ग्रुप आपके लिए कल तक तैयार कर दीजिए, थैंक यू।